कोरोना वायरल इन्फेक्शन जो कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था, अब तकरीबन दुनिया के 12 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है और इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो गई है। तकरीबन 2 दर्जन केसेस अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कोरोना, न्यू कोरोना वायरस या COVID-19 के नाम से जाना जाता है, जो कि एक नए तरह का वायरल ईजाद हुआ है। और जहाँ तक इसके लक्षणों का सवाल है, मेनली किसी भी फ्लू की तरह है, कोरोना वायरल इन्फेक्शन में भी पेशेंट को खांसी, बुखार, तेज़ बुखार आना, सांस फूलना, गले में दर्द होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। और स्पेशली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको और फ्लू से कैसे डिफरेंशिएट करें, उसके लिए जो लोग इन संक्रमित देशों से इंडिया में आए हैं, उनमें इसकी संभावना ज़्यादा हो सकती है। अदरवाइज़ हर फ्लू, हर खांसी बुखार कोरोना वायरल इन्फेक्शन नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत सावधानी की ज़रूरत है। और इन लक्षणों के होने पर यदि आपका इस तरह का संपर्क है उन लोगों से जो कि उन देशों से जहाँ पर ये एक महामारी की तरह बढ़ रहा है, उनको ज़रूर तुरंत अपनी जांच करनी चाहिए। जो देश में जगह जगह नोडल सेंटर बने हैं, वहाँ पर उनकी जांच होनी चाहिए। और ये भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना का अभी तक जो एक्सपीरियंस है, उसमें 85% लोगों में माइल्ड डिजीज़, हल्की बीमारी होती है जो अपने आप से रिकवर हो रही है। तकरीबन 15% लोगों में ऐसी बीमारी है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती की ज़रूरत है। सिर्फ 5% लोग ही फैटल कोरोना वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, सिर्फ कंसर्न ही है कि अभी तक इसके लिए कोई ट्रीटमेंट ईजाद नहीं है, कोई भी फॉर्मुलरी नहीं बनी है जो कि इस वायरस को किल कर सके।